नेक में ये बेल्ट पहन लिया, बैक के लिए मैंने ये सपोर्टर पहन लिया जो है, ये पीछे से दिखेगा आपको इस तरफ से। सो गाइज हम जा रहे हैं भाई फिजियोथेरेपी करवाने, और डॉक्टर ने लिखा है एक्सरे, तो पहले करवाएंगे एक्सरे और एक्सरे की रिपोर्ट लेंगे, फिर जाएंगे हम फिजियोथेरेपी करवाने। चलो एक्सरे हो गया भाई, ये एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई हमारे पास, और अब हम जा रहे हैं फिजियोथेरेपी करवाने के लिए। तो फिजियोथेरेपी का जो डॉक्टर है भाई हमारी, उसको चाहिए एक्सरे, तो उसको एक्सरे की रिपोर्ट देंगे और फिर करवाएंगे फिजियोथेरेपी का सेशन। चलो कैसा लगा आपको एक्सरे? अच्छा लगा, मुझे भाई वो अंदर से ऐसे फील आ रही थी। कैसी फील आ रही थी? अजीब सी। अजीब सी है ना, हॉस्पिटल में सबको ऐसे ही लगता है। क्या करेंगे, कहीं लगा दे। हाँ भाई अजीब सी फील आ रही थी। अरे वाह यार, कल भी ऐसे ही कर रहा था, फिजियोथेरेपी करवाने गए थे वहाँ पर भी डर रहा था, बोले मेरे डैडा के साथ क्या कर रही है, वो मशीनें लगाते हैं वाइब्रेशन वाली चिपकाते हैं, तो इसको डर लग रहा था अब ये क्या करेंगे, इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे। तो भाई मेरे हो रहा है जैसा मैंने बताया सर्वाइकल पेन, उसका करवाया हमने एक्सरे, और अब मैं जा रहा हूँ फिजियोथेरेपी करवाने। आज है सेकेंड दिन, कल था पहला दिन और आज सेकेंड दिन, कितने सेशन लेने ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं और जब तक ठीक नहीं होगी सर्वाइकल का पेन तब तक हम जाएंगे। रेड लाइट लग चुकी है भाई, अभी एक ही बत्ती चली है पूरी सिटी में जिला बनने के बाद, और ये चालू हो गई है भगत चौराहे पे। अभी हम आगे बत्ती पर वेट कर रहे हैं ग्रीन होने का सिग्नल। गाइस 120 सेकंड तो वेट करना है, निकलने के लिए केवल 30 सेकंड है आपको। अब जब हम अभी रवाना हुए तब तक तो 13 सेकंड ही बाकी बचे हैं भाई, 10 सेकंड बाकी बचे मात्र, जल्दी निकलो। और अभी 10 फीट आए हम तो फिर रेड लाइट में बचे। आ गया हमारा नंबर, तो ये है गाइस एक्सरे मेरा, और भाई समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, डॉक्टर को पता नहीं कैसे समझ में आ जाता है, ये आज तक के लिए मिस्ट्री बना हुआ मेरे लिए। हो गया हमारा एक्सरे का काम फाइनली, रिफ्लेक्ट हो रही बाहर की चीज़ें भी दिख रही है इसमें ना, तो बस जा रही जो भी दिख रही है एक्सरे पार करके बाढ़ मेरे डिपो बोले वो। सो गाइज हम आ गए फिजियोथेरेपी करवा के घर पे। भाई आज ये गले पे पट्टा भी दे दिया मुझे बांधने के लिए, इसको बोलते हैं गले का पट्टा क्या बोलते हैं इसको, नेक सपोर्टर नहीं बोलते भाई, ये देखो मैं लेकर आया ये, सो क्या बोलते हैं ये सर्वाइकल कोलर सपोर्ट के लिए आता है ये, और ये मुझे डॉक्टर ने बोला भाई ये ले लो, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है क्या बताऊँ मैं। फिजियोथेरेपी में खूब टाइम लग गया भाई मुझे, 1.5 घंटा लग गया, और आने जाने में भी टाइम लगता है क्योंकि यहाँ से सेंटर हमारा बहुत दूर है, यहाँ से जाने का भी मुझे लगभग 20-25 मिनट लग जाते हैं, और आते वक्त भी इतना ही टाइम लग जाता है, तो इतना जाना फिर वहाँ पर 1.5 घंटा फिर आना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इस चक्कर में पता है मैं न तो ब्लॉग कर पा रहा हूँ न काम कर पा रहा हूँ भाई नेक पेन की वजह से। गाइज सर्वाइकल का जो पेन होता ना बहुत डेंजर होता है, और ज़्यादातर केसेस में ये होता है बेड पोस्चर की वजह से, मेरा हुआ है लैपटॉप पे लंबे वक्त तक एक ही पोस्चर में काम करने की वजह से, ये झुक कर काम करने की वजह से सर्वाइकल का पेन स्टार्ट हो गया। ये मोबाइल देखने से भी हो सकता है, टीवी देखने से भी हो सकता है, अगर आप टीवी ऐसे तकिया लगा के देखोगे तो भी हो सकता है, और गाइज मोबाइल अगर आप यूँ देख दो सामने जैसे ये मोबाइल है, अगर मोबाइल आप यूँ देख रहे हो लगातार ऐसे तो भी आपकी गर्दन टेढ़ी रहती है, इस वजह से भी सर्वाइकल पेन हो सकता है। तो आप भी अगर मोबाइल ऐसे झुक के देखते हो या टीवी ऐसे लेट के देखते हो बड़ा तकिया लगा के, या फिर लैपटॉप आप झुक के से काम करते हो, तो भाई ध्यान दे लो क्योंकि धीरे धीरे आपको भी ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है, और मुझे भी लैपटॉप में काम करने की वजह से ही हुआ, तो इसके लिए अब मुझे ये बेल्ट पहनना है, और एक बेल्ट मेरे पास पहले से था ये वाला जो मेरे बैक में आता है, ये वाला ये पोस्चर वाला, ये मैं पीछे बांध के आराम से एकदम स्ट्रेट बैठा रहूँगा। तो दो बेल्ट हो गए मेरे पास, एक तो ये बैक को स्ट्रेट रखने का, और ये हो गया दूसरा गर्दन को होल्ड रखने का, ये दोनों पेन के मुझे लैपटॉप पे काम करना है भाई। बीच में एक ये गर्दन का निशान बना हुआ है गाइज, ये जो निशान है इसको यहाँ पर ऐसे रखना है, ऐसे रखो और ऐसा कर दो, अब इससे क्या गर्दन ऐसे नीचे नहीं होगी, ये जो आपकी चिन है ना ये नीचे नहीं आएगी, तो गर्दन को सपोर्ट रहेगा, और गर्दन पीछे भी नहीं जाएगी, इधर भी नहीं आएगी, इधर भी नहीं आएगी, जो आपकी गर्दन है एक जगह स्टेबल रहेगी, तो ये आपकी नेक को बचा के रखेगा, और जब आप ट्रेवल वगैरह करते हो तब भी कोई झटका आता ना गर्दन में, तो ये आपको बचा लेगा, ये काफ़ी अच्छा है गर्दन के लिए, और स्पेशली सर्वाइकल का जो पेन है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है भाई। तो डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया, मैं ये लेकर आ गया हूँ,
और ये बेक वाला मेरे पास पहले ही था गाइस, ये तो मेरे पास काफी टाइम से था। यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हो, ये देखो काफी अच्छा है। अगर मेरे आप कोई भी अगर आप भी अगर लैपटॉप पे काम करते हो भाई, तो ये नेक का तो भले आप आपका अगर लगता तो मंगा लेना, बाकी ये जरूर मंगा लेना भाई, ये अच्छा है काफी। इससे आपकी मतलब बैक पूरी स्ट्रेट रहेगी, तो बैक पेन भी नहीं होगा प्लस नेक पेन भी नहीं होगा। देखो मैंने ऐसे पेन लिया, ये लग गया और यहाँ पे पेट के लगा ऐसे, ये देखो नीचे ये लगा लिया और ये यहाँ पे ऊपर पूरा ऐसा आ गया ना। तो आप इसको ये जो हुक कहता है इसको टाइट कर लो अपने हिसाब से। मेरे इधर का कोने में कपड़ा नहीं है, जैसे मैंने क्या अभी ये हाफ टी शर्ट पहन रखा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ये स्किन के पास में ये चुभता है। बाकी आप इसको पहना ना तो टी शर्ट के ऊपर पहनना ताकि चुभे ना। अब देखो ये देखो गाइस, मेरी बैक पूरी स्ट्रेट है, ये मैंने पहन लिया ना, ये बैक को आपको पूरी को स्ट्रेट रखेगा ऐसे। तो ये बैक का सपोर्टर हो गया, ये नेक का सपोर्टर हो गया भाई, ये दोनों पहन के काम करूंगा अब मैं, तब जाके मेरे सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी और बैक पेन भी नहीं होगा भाई। तो ये दोनों पहन लिए गाइस मैंने, नेक में ये बेल्ट पहन लिया और बैक के लिए मैंने ये सपोर्टर पहन लिया जो है, ये पीछे से दिखेगा आपको इस तरफ से। तो दोनों पहन लिए और दोनों पहन के मैं काम करूंगा, इससे मेरी नेक भी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और मेरी बैक भी पूरी स्ट्रेट रहेगी। तो बैक में भी पेन नहीं होगा और नेक में भी पेन नहीं होगा भाई। कैसी हालत में ब्लॉग कर रहा हूँ आप देखो, दो दिन से परेशान हो गया हूँ, कल भी परेशान था पूरा, आज भी पूरा परेशान था। आज तो इस चक्कर में मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, अभी शाम के टाइम में जाकर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह से पेन हो रहा था, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था ब्लॉग करने का। क्या करता, इतना दर्द हो रहा है क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए अभी शाम को स्टार्ट किया और फिर सोचा यार जो भी कंडीशन है एटलीस्ट सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा तो ठीक रहेगा, ताकि आपको भी पता रहे मैं किस तरह की मुश्किल से गुजर रहा हूँ। और हो सकता है ये चीज़ें आपके हेल्प की हो, आप भी अपने पोस्चर पे ध्यान दें गाइस, आप भी टीवी देखें या मोबाइल चलाएं या जब भी आप बैठे हो काम कर रहे हो तो आप इसे झुके ना, कोशिश करें आपकी बैक पूरी एकदम स्ट्रेट रहे और नेक भी स्ट्रेट रहे, और जो आपका लैपटॉप है या मोबाइल है वो आपकी नज़र के बिल्कुल ऐसे सामने होना चाहिए, ताकि आपकी नेक पे जोर ना पड़े बैक पे भी जोर ना पड़े। इन गलतियों की वजह से मैं भुगत रहा हूँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप अपने पोस्चर पे जरूर ध्यान दें भाई। ये मटकी है ना फूट चुकी थी, तो ये है ना मटका रखते थे, पर ये मटका पूरा ओवरलोड हो चुका है और ये पूरा हाँ जो भी है हो चुका है। और ये पानी यहाँ घर में पानी हो गया, तो अब ये तो यहाँ तक सारे जूते डरा के सारे गंदे हो गए और ठीक यहाँ तक पानी आ चुका है। जीजा पानी पूरे कमरे में पानी फैल गया, हमने क्या करा, बहुत अच्छा करा यार हमने, क्या करा हम तो भी है अच्छा करा। पहले ना ये टप 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 करता था, उसको एक घंटे में खाली करना पड़ता था नीचे जो है, अभी जिया खाली करने गई पर ये ज्यादा फूट गया तो ये अब उसका काम तमाम हो गया। मैं पानी पानी हो गई कितनी देर गाड़ी सारी है मम्मी नहीं हो गई। फ्रेंड्स अपन तो ऐसे है, अपन को इधर देखने को अपन ऐसे मुड़ते डेढ़ा मुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि डेढ़ा के बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए आज हम दोनों ही व्लॉग करेंगे और जीजा व्लॉग करेंगे, तो आज के व्लॉग में ज़्यादा मस्ती होएगी नहीं, अब क्या कर सकते। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that